जिस काल में उनका कोई अनुभव नहीं है या शायद उनका जन्म भी उसके बाद में हुआ, जंगल राज के बाद में हुआ। ऐसे बिहार के जंगल राज से बाहर आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा और उससे बिहार का क्या नुकसान हुआ, उसके ऊपर मैं थोड़ा विषय रखना चाहती हूँ। मैं ये जरूर याद दिलाना चाहती हूँ, सम्मान चाहिए विकास नहीं। ये बोलने वाले लोग से जो जंगल राज का जमाना था बिहार में, उस समय बिहार के पर कैपिटा इनकम उड़ीसा से वो जंगल राज शुरू होने से पहले उड़ीसा से हायर था, बड़ा था। उड़ीसा उस समय पर कैपिटा जीडीपी 20,591 रुपीस था, 20,591। और उस समय 1991 के समय में बात करें, बिहार का 21,282 था। मगर जंगल राज शुरू होने के बाद बिहार का 33% ड्रॉप हुआ और आराम से उड़ीसा 31% ज्यादा बढ़ा। इसीलिए 2002 तक जब हम पहुंचे, बिहार का पर कैपिटा इनकम वो जो मैंने कहा 21,000 कुछ, उससे कम होकर के 14,209 तक पहुंचा। उस 10 साल जंगल राज के कारण पर कैपिटा हर व्यक्ति का आमदनी जो मेजर होती है पर कैपिटा जीडीपी, वो 21,282 1991 में जो था उससे कम होकर के 14,209 में पहुंचा। फिर पोस्ट 2002 के बाद में बिहार के पर कैपिटा इनकम एवरेज ग्रोथ के अनुसार, एवरेज एनुअल ग्रोथ 5% के, 5.6% के अनुसार वो 14,000, जहां गिरावट हुई 14,209 से उठकर के 37,000 तक पहुंचा 2019 तक। मेहनत के कारण और जंगल राज को मिटाने के बाद, थोड़ा कानून व्यवस्था ठीक होने के बाद ये था। मगर इसी 5% का ग्रोथ अगर वो कालखंड में अगर 1980 से 91 से लेकर के 2002 तक वही 5% के अनुसार हम कैलकुलेट भी करें, बिहार का 2019 जहां हम मेहनत के बाद 37 तक पहुंचाया, अगर उस जंगल राज ना रहते बिहार का पर कैपिटा 95,330 तक पहुंच गया होगा 2019। जंगल राज से जो नुकसान आता है आम आदमी के आमदनी तक उसका असर पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा तो मर्डर, खून, हत्या, रेप ये सब होता, वो भी भयंकर, मगर पर कैपिटा इनकम के विषय में आप जरा सोचेंगे, यही है अंतर। मेहनत के बाद 2002 से 37,000 तक जहां पहुंचा, अगर रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर उस समय भी रहकर 95,000 तक बिहार के इनकम पर कैपिटा इनकम हो जाता। अभी उसी जो सम्मान चाहिए विकास नहीं बोलने वाले, तब बोलने वाले आज भी क्या भाषा बोल रहे हैं जी? फुल रिजर्वेशन हम देंगे माइनॉरिटीज को जब रिलीजन आधारित
प्रिजर्वेशन हमारे कानून में कॉन्स्टिट्यूशन में अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एससी एसटी ओबीसी से छीन करके रिलीजन आधारित रिजर्वेशन देने के लिए एक क्लियर प्लान के साथ चल रही है इंडिया अलायंस। इसका भाषाओं से मैं ये कंक्लूजन में नहीं आ रही, कर्नाटका के कांग्रेस सरकार ने उधर हर वर्ग मुस्लिम के हर वर्ग से सबको रिजर्वेशन दे करके ओबीसी का जो था रिजर्वेशन उससे छीन करके इनको दे, मतलब इसमें कटौती उसको पूरे कवर। यही भाषा जो अभी बोला जा रहा है उसका मतलब यही होगा और बिहार में भी यही होंगे। इसीलिए मैं बोलती हूं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मंत्र है माननीय मोदी जी का, उससे बिहार में भी हर वर्ग हर मजहब हर कुल सबको बिना भेदभाव सब मिला है। बिजली हो पानी हो सड़क हो शौचालय हो घर हो मुफ्त अनाज हो सब का सब हम देते आ रहे हैं। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें सम्मान भी है और विकास भी है। ये नहीं है कि हमें सम्मान चाहिए विकास नहीं चाहिए। विकास जब नहीं चाहिए, आपका पर कैपिटा इनकम 14,000 के करीब ही 10 साल तक स्थगित रहा, उसका मेहनत करके बाहर ले आने के लिए 90,000 तक पहुंचने वाला बिहार स्थगित होकर के बैकवर्ड। अभी वो शब्द भी माननीय प्रधानमंत्री जी उपयोग नहीं करते, बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और 114 भारत देश में पूरे भारत देश में जब 114 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से जहां ईस्टर्न बोलते हैं हम पूर्वी राज्यों जिसका हम इंजन बनाना चाहते हैं विकास विकास के लिए, सिर्फ विकास में भागीदारी लेना नहीं, विकास का इंजन ही बनाओ, आप विकास को खींच कर ऊपर लेके चलो, ऐसे स्थान दे रहे हैं हम ये पूर्व राज्यों को, बिहार हो झारखंड हो बंगाल हो उड़ीसा हो।